गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रूव करेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके साथ रिलेशन भी प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम एक बेलन की कल्पना करते हैं। जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें हमारे पास निर्देशांक जो होते हैं वो रो, फाई और जेड होते हैं। रो डिनोट करता है हमारे को कि हमारा जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है। फाई और जेड इसको हम आगे और समझेंगे। हमने कंसीडर कर लिया एक बिंदु पी, ये जो रेडियस है इसको हमने रो से डिनोट किया। ये एंगल हमारा फाई है और जेड जो है ये हमारे पास सिलेंडर की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास रो की वैल्यू मिनिमम रो मिनिमम जीरो और मैक्सिमम हमारे पास इनफाइनाइट हो सकता है। जब रो की वैल्यू हमारे पास जीरो है तो उस कंडीशन में ये जो सिलेंडर है एक महीन तार की भांति, मतलब एक सरल रेखा की तरह व्यवहार करेगा। कोऑर्डिनेट फाई जो है, फाई हमारे पास एक्स अक्ष के चारों ओर, ये जो सरफेस है ये एक्स अक्ष के चारों ओर जितना एंगल बनाती है, एक्स अक्ष के सापेक्ष जितना एंगल बनाती है उसको हमारे फाई जो है वो डिनोट करता है। तो फाई की वैल्यू हमारे पास जीरो से लेकर और टू पाई तक वेरी करती है। जेड बेलन की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड की वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक हो सकती है। यदि बेलन हमारे पास एक्स वाई तल से नीचे है तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी जेड की वो नेगेटिव में आएगी, और यदि एक्स वाई तल से ऊपर है तो वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी। यहां बेलन के अंदर हमारे पास तीन सरफेस हैं। तीन सरफेस जो हमारे पास सबसे पहले, जैसे ये चौक है हमारे पास, इसके जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस, ये वाली सरफेस, ये रिप्रेजेंट करती है रो इक्वल्स टू सी वन को। अब इस चौक के ऊपर और नीचे की जो सरफेस है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है जेड इक्वल्स टू सी थ्री को, और तीसरी सरफेस जो हमारे पास ये वाली है ये फाई इक्वल्स टू सी वन सी टू, ये जो सरफेस है ये फाई इक्वल्स टू सी टू को रिप्रेजेंट करती है। अब हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन तीनों सरफेस के इंटरसेक्शन देखेंगे। हमारे पास रो इक्वल्स टू सी वन और फाई इक्वल्स टू सी टू। यदि हम इसकी बात करें तो हमने कहा रो इक्वल्स टू सी वन जो है वो इस जो चौक है, ये भी एक बेलन की तरह व्यवहार करता है, इस चौक की जो आउटर सरफेस है ये वाली सरफेस जो है ये रो इक्वल्स टू सी वन को रिप्रेजेंट करती है। हमने कहा एक इस सरफेस से हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ की, तो हम और साथ में इसको सेंटर से मिलाकर लाए, तो ये जो सरफेस है ये रो इक्वल्स टू सी टू है। इन दोनों सरफेस का जो इंटरसेक्शन आएगा वो इंटरसेक्शन हमारे पास ये जो लाइन है ये पी पी डैश, ये लाइन इन दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब इसके अलोंग जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट जो आएगा वो हमारे पास होगा ई, जो यूनिट वेक्टर आएगा वो ई जेड होगा। अब हमारे पास सेकंड सरफेस जेड इक्वल्स टू सी थ्री, और ये जो सरफेस है इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो इंटरसेक्शन हमारे पास ये वाला है, इसके अलोंग जो आएगा वो हमारे पास ई फाई आएगा। अब तीसरी सरफेस जेड इक्वल्स टू सी थ्री और जो पहली रो इक्वल्स टू सी वन, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये सर्कुलर पाथ जो है, ये सर्कुलर पाथ इन दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने बिंदु पी के ऊपर इस पाथ के अलोंग एक
इस पर से लिखा खींच दी, ये जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा ई इक्वल्स टू, सॉरी ये ई रो और ये ई फाई को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें प्रूव करना है कि ई जेड, ई फाई और ई रो जो है ये तीनों हमारे पास कैसी हैं, ये तीनों जो हैं ये ऑर्थोगोनल है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे। तो संबंध स्थापित करने के लिए हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम y, x, z, o, हमारे पास सिलेंडर का जो पॉइंट P था वो हमने यहां कंसीडर कर लिया और PP डैश जो है वो इस प्रकार से, ये एंगल फाई, यहां से ओ वाई या y अक्ष के ऊपर बिंदु P से हमने एक परपेंडिकुलर डाला और साथ में इसी प्रकार P डैश से x अक्ष के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लिया। इसको हमने नाम दे दिया M और इसको नाम दे दिया हमने N। हमने कहा यदि ये एंगल हमारे पास फाई है, यदि ये वाला एंगल फाई है, ये जो डिस्टेंस थी ये हमारे पास रो थी, तो हमने कहा इधर ये जो लेंथ आएगी ये x के बराबर होगी और ये जो लेंथ आएगी ये हमारे पास किसके बराबर होगी, y के बराबर, और साथ में ये जो लेंथ आई ये हमारे पास z के बराबर। तो हमने कहा x इक्वल्स टू हमारे पास रो cos phi हो गया, ये यहां इससे हमने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो रो इक्वल्स टू हमारे पास x इक्वल्स टू रो cos phi, और y इक्वल्स टू हमारे पास हो गया रो sin phi और z इक्वल्स टू। z इक्वल्स टू z, x इक्वल्स टू रो cos phi, इसके साथ रो जो है x अक्ष के साथ phi एंगल बना रहा है, तो x इक्वल्स टू रो cos phi। अब इधर ये एंगल हमारे पास 90 माइनस phi हो जाएगा, तो रो जो है वो y अक्ष के साथ 90 डिग्री माइनस phi का कोण बना रहा है, x के साथ मिलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रो sin phi के। चूंकि हम जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यदि हम पोजीशन वेक्टर की बात करें, स्थिति सदिश की बात करें, तो r इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप होता है। x, y और z की वैल्यू ये हमने यहां प्लेस की, तो r इक्वल्स टू हमारे पास हो गया i कैप रो cos phi प्लस j कैप रो साइन फाइव और के कैप जेड। तब इस आर की मदद से हमें आधार सदिश फाइंड आउट करने हैं, बेस वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हम जानते हैं बेस वेक्टर बी वन इक्वल्स टू हमारे पास होता है डी आर डेल आर अपॉन डेल यू वन, यहां यू वन जो है यू वन रो है, यू टू फाई है और यू थ्री जो है वो हमारे पास जेड है। तो हमने कहा डेल आर अपॉन डेल यू वन, यू वन डेल आर अपॉन डेल रो विद रेस्पेक्ट टू रो, हमें एक बार इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना। तो हम डिफ्रेंशिएट करने गए तो बी वन इक्वल्स टू पी वन इक्वल्स टू आई वन कैप कोस फाइव प्लस जे कैप साइन फाइव और प्लस जी। अब यदि बी टू की हम बात करें तो बी टू इक्वल्स टू हमारे पास होगा डेल आर अपॉन डेल यू टू इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल फाइव, यदि डेल फाई की बात करें तो b2 इक्वल्स टू i के रो साइन फाई माइनस प्लस
जे कैप रो कोस फाई, और यहां चूंकि फाई है नहीं तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। बी थ्री की बात करें, बी थ्री इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल यू थ्री इक्वल्स टू डेल आर अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू डेल जेड के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जीरो, ये जीरो, और इसका यदि करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के क्या। तो B2 हुआ हमारे पास माइनस I कैप रो साइन फाई प्लस J कैप रो कोस फाई, और B3 इक्वल्स टू K3। क्योंकि हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसके लिए हमें प्रूव करना होगा कि B1.B2 इक्वल्स टू जीरो, B2.B3 बराबर B3.B1 इक्वल्स टू। तो इसके लिए हम प्रूव कर लेते हैं B1.B2। तो B1.B2 की बात करें, I कैप cos phi प्लस जे कैप साइन फाई डॉट माइनस आई कैप रो साइन फाई प्लस जे कैप रो कोस फाई, इनका हमने अदिश गुणनफल किया, अदिश गुणनफल करेंगे तो माइनस रो कोस फाई साइन फाई प्लस रो साइन फाई कोस फाई B1.B2 इक्वल्स टू जीरो। तो B1.B2 ये हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जीरो के बराबर है। अब हम प्रूव करेंगे B1.B3 की, यदि हम बात करें तो B1.B3 तो यहां K कैप, अब I कैप डॉट K कैप इक्वल्स टू जीरो, J कैप डॉट K कैप इज आल्सो इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो टर्म आएगी ये हमारे पास कितनी आएगी, ये भी जीरो के बराबर आएगी। इसी प्रकार B2, B3 के लिए भी हम जाएंगे तो B2 और B3 में हमारे पास B2 में I कैप और J कैप की टर्म्स है और हमारे पास B3 में K कैप की टर्म्स, तो इनका जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास जीरो आएगा। तो हम प्रूव कर सकते हैं इसी प्रकार कि B2.B3 इसका मान भी कितना होता है, जीरो होता है। तो अब हमने कहा सभी जो सदिश हैं, ये आधार सदिश जो है, ये इनका जो म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट है ये हमारे पास सभी के लिए जीरो आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। धन्यवाद।